हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा बत्रा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए आज कितनी हैवी बारिश हो रही है। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज, स्पाइसी मोमोज, टेस्टी। फ्रेंड्स मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए बंद गोभी शूर के, ये चोड़ के रख लिए मैंने, और ये अदरक और लहसुन मैंने शूर लिया है, और हरी मिर्च ले ली है मैंने छोटे छोटे पीसेस में। इसके साथ हमें चाहिए मसाले, नमक स्वादानुसार, मिर्च, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, ज़ीरा और धनिया पाउडर। तो करते हैं हम स्टार्ट मोमोज बनाना। सबसे पहले हमें ये बंद गोभी और अदरक लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा सॉटे कर लेना है, क्योंकि ऐसे अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा कच्चा बनाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने फ्राई में एक चम्मच तेल ले लिया है, रिफाइंड तेल। उसमें हम मिला रहे हैं अदरक और लहसुन और हरी मिर्च के जो हमने शूर के रख किया है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हाफ चम्मच जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें मिलाने जा रहे हैं बंद गोभी, जो कि हमने छील के अच्छे से निचोड़ लिया था, इसको इसका जो पानी है वो स्क्वीज कर लिया था, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्के से इसको हमें सॉटे करना है। इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वादानुसार। फ्रेंड्स हाफ चम्मच इसमें हम सौंफ पाउडर मिलाएंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, जो भी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होगा उसको हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर ये मोमोज हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। मैं जो मोमोज हैं मैं फ्राई करके बना रही हूँ, ऐसे आप स्टीम में बना सकते हैं, बट मैं इनको फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्राइड मोमोज ज़्यादा पसंद है। मेरी फैमिली को भी फ्राइड राइस, मेरी फैमिली को भी फ्राइड मोमोज ज़्यादा पसंद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका पानी जो मॉइस्चर सारा ड्राई हो गया, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मोमो बनाने के लिए मैंने ये डो तैयार कर लिया है। इसमें मैंने हाफ आटा लिया है और हाफ जो मैदा लिया है, तो और इसमें एक चुटकी नमक डाला है और साथ में दो चम्मच घी डाला है। तो हमने इसको अच्छे से गूंद के इसका डो बना लिया, और इसको 10 to 15 minutes मैंने फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रखा था। अब ये ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा हार्ड है। फ्रेंड्स ये हमने पेड़ा जो इस तरह से बेल लेना है, फुलके की तरह हमने इसको पतला पतला बेल के फिर इसका हमने छोटे छोटे जो है वो पेड़े कर लेने, एक दो दो तीन से चार हम इसका बना सकते हैं, ये तीन ही बने हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये बन गए। अब हमने फर्दर इसको पतला पतला बेल लेना है, बहुत ही पतला रखना है, क्योंकि इसमें मैदा है तो मोटा रखेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। ये इस तरह से हमने कर लिया। अगर आपको ज़्यादा बड़े बड़े मोमोज बनाने हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। कटोरी और गिलास से हमने इसको कटिंग कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स अब हमने इसमें फिलिंग कर लेनी है मोमो की, ये जो हमने फिलिंग बनाई थी बंद गोभी की, इस तरह से फिलिंग करके, तो ये हमने ऐसे करना है इसको, इस तरह से हमने इसको बंद करते जाना, लाइक दिस 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 दिस। तो ये हमारी जो है मोमो की शेप बन गई। ओके फ्रेंड्स छोटा सा क्यूट सा मोमो। इसी तरह से हम बाकी के जो है वो भी हम फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से शेप कर सकते हैं ऐसे, उसके बाद ऐसे, जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरह से आप इसकी शेप बना सकते हैं। ये देखिए
ये गुजिया की शेप बन गई और ये गोल मोमो की शेप बन गई। इसी तरह से हमने बहुत सारे मोमो जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे मोमोज की फिलिंग कर ली है, मोमो रेडी कर लिए। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। ये दैट मीन्स गर्म हो चुका है हमारा। ये हमने डालना है, सारे मोमोज डालने के बाद हमने जो है इसको पकाना है। गर्म हो चुका है तो हमारे मोमोज जो काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोमोज जो है थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो उनको हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, फिर उसके बाद हमने इनको निकाल देना है। तो इसके लिए 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। फ्रेंड्स, इन मोमोज को हम खाएंगे शेजवान चटनी के साथ। शेजवान चटनी स्पाइसी एंड टेस्टी टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी मोमोज। वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा इवनिंग स्नैक्स में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे मोमोज का। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी प्लेटिंग करने जा रही हूँ। ये इसमें मैंने शेजवान चटनी ले ली है, इट्स टू हॉट। फ्रेंड्स, देखिए हमारे टेस्टी टेस्टी स्पाइसी मोमो रेडी हैं, रेडी टू ईट। अब इसको खाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। वाओ,